ठीक है, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि आप गूगल साइट किस तरह से बना सकते हैं। गूगल साइट, अब आप एक्चुअली साइट आपको भी पता होगा क्या चीज होती है, कि अब यहाँ अब आप बहुत सारी साइट्स देखते हैं, स्किन केयर की साइट्स होती हैं, शॉपिंग की साइट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन साइट्स जो होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स होती हैं, और स्किन केयर वगैरह और प्रोडक्ट्स की साइट होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, मतलब हर चीज की साइट। तो बेसिकली आप वो साइट किस तरह से बनाना, स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, हम वो चीज आज देखेंगे। आप सिंपल यहाँ पे सर्च आउट करते हैं गूगल साइट, तो आपके सामने इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो आप इसी को अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीजें वो शो भी कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का आपको, मतलब कह लें कि आपको ना यहाँ पर वो दे रहे हैं, टेम्पलेट दे रहे हैं, आपको किस तरह का टेम्पलेट चाहिए। आप इनमें से ओपन करके इनमें से भी किसी को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इसको खोल लेती हूँ तो इसके अंदर हम देख लेते हैं किस तरह की साइट बनी हुई है। तो आप इनको लेके, मतलब अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा चीजों को स्टार्ट किस तरह से करना है, वो तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्टार्टअप खुद किस तरह से लेना है, पर फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि मतलब आपको इतना वो अच्छा नहीं लग रहा या अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो आप इनसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर वो खुद भी कह रहे क्रिएट थीम करेंगे, तो यहाँ से आपकी न्यू थीम भी आ जाएगी। मैं इसको भी क्रॉस करती हूँ, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज है। ये प्रोजेक्ट नेम है ऊपर, यहाँ पर आपका मतलब नाम आ जाएगा, साथ आपका लोगो आ जाएगा जो भी, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, मतलब कैपिटलाइज, जो हमारा बेसिकली जो नाम होता है ब्रांड का, जो नाम होता है वो सब यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया जाएगा। इंग्लिश में जैसे हमने कोई ना कोई साथ अपनी लाइन ऐड की होती है, मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई छोटी सी चीज, हर एक चीज का ना अपने साथ एक कोई ना कोई पहचान जरूर होती है। जैसे कि हम कोई भी चीज, जैसे यूएफओ के साथ कहते हैं तुम ही तो हो, मतलब कोई ना कोई अपने साथ वो एक पहचान रखते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इस ब्रांड की बात हो रही है, ये इसका मतलब इसकी लाइन है ये। तो वो जो आपकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं, जो आप जिससे आपका ब्रांड पहचाना जाता है। उसके बाद ये उन्होंने अब नीचे सिर्फ, उन्होंने ऑब्वियसली आपको सिर्फ डेमो दिया हुआ है एक छोटा सा, उन्होंने आगे ये देखे, अब यहाँ पर उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई है कि जैसे अब आपने अपनी चीजें अगर लगानी है, अपनी चीजें पुट करनी है, तो आप यहाँ पर पिक्चर लगाओगे, यहाँ पर उसकी आप देखोगे डिस्क्रिप्शन कि आपको इस चीज में क्या है, या मतलब जैसे आप कोई शर्ट लगाते हो, या आप कोई क्रीम लगाते हो, या कुछ भी लगाते हो, कोई फोन लगाते हो, उसके साथ आप मेंशन करोगे कि हाँ जी ये चीज इसके अंदर है, मतलब ये इसकी क्वालिटी है, ये इसका मॉडल है, और इस तरह से हर चीज, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने फोर लेयर, ये लेयर्स आपको दिख रही है, ये लेआउट्स हैं। यहाँ से आप एक लेआउट ले लें, आप दो ले लें, तीन ले लें, इस तरह से तीन ले लें, आप जिस तरह से भी जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या होता है, यहाँ पर आप मतलब अपना कॉन्टेक्ट ईमेल वगैरह दे देते हैं, कि मतलब अगर आपको कोई आपके कस्टमर्स कस्टमर को कुछ चाहिए हो, या उनकी कोई डिमांड हो, या उन्होंने कुछ आपसे पूछना हो, सवाल जवाब करने हो, मतलब प्राइस या कुछ भी, तो वो आपसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट, यहाँ पर टेक एक्शन है, वो यहाँ पर आएंगे तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया एडिट फोल्डर करके, आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें आप क्रिएट करेंगे। मैं अब आपको बताती हूँ, अब आपने खुद जो क्रिएट करना है, आपको छोटा सा डेमो दिया है कि किस तरह से आप मतलब बना सकते हैं, मैं खुद में आगे आपको दिखाऊंगी। हम यहाँ पर आ जाएंगे ब्लैंक में। आप डिफरेंट साइट्स खोल के आप वहां से भी आइडियाज ले सकते हैं, मतलब साइट्स देखें, आप विजिट करें अलग अलग साइट्स को, देखें लोगों ने क्या क्या चीजें अंदर ऐड की है, क्या क्या एक्टिविटी लोग करते हैं, तो आप उस चीज को भी अपनी साइट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब क्या होता है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका कोई भी साइट का नेम आ जाएगा। अब साइट का नेम क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ये आपका हो गया नाम। अब आपने लोगो ऐड करना है, यहाँ पर आप आएंगे ऐड लोगो, ऐड लोगो में आके यहाँ पर ब्रांड इमेज आ गया, हर चीज आपकी आ गई है। आपने लोगो ऐड करना है, मतलब आपके अगर डिवाइस में लोगो पड़ा है, ऑब्वियसली आप अपना लोगो पहले तैयार करके रखेंगे। लोगो आपने कहाँ से तैयार करना है, आप कैनवा से इजिली लोगो तैयार कर सकते हैं, 5 मिनट का काम है। आप वहां पे जाके कैनवा से आप लोगो तैयार करेंगे, और पीजी रिमूवल पे जाके आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, तो आपको लोगो, सिंपल लोगो, बड़ा अच्छा सा लोगो वहां से मिल जाएगा। अब अपलोड करेंगे, अपलोड में अब मेरे पास ये मेरी डिवाइस आ गई है, डिवाइस के अंदर अब जो भी मतलब मेरे पास चीजें हैं मैं देख लेती हूँ।
यहाँ पर अब जैसे कि ये लोगो है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओपन, यहाँ पर ये आ गया। अब इसको अगर आपने रिमूव भी करना है ना पीछे से, तो ये रिमूव भी इजीली हो जाएगा। वो आप इजी रिमूवल में जाके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा लोगो भी ऐड हो गया, और वैसे लोगोस के पीछे की चीज नहीं होती, तो आप इसको भी कर लीजिएगा एडिट। तो अब ये है, यहाँ पर पेज का टाइटल हमारा आ जाएगा, हम टाइटल सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन स्टोर, कुछ भी लिख लें जो आपको अच्छा लगता है, आपकी मर्जी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से उन्होंने कहा है आपने राइटिंग कौन सी रखनी है, आपने हेडिंग रखनी है, या आपने क्या रखना है, आपने अगर टाइटल रखना है तो ये कर लें। यहाँ पर आपकी आ जाएंगी आपका फॉन्ट, आपको कौन सा चाहिए, ये वाला फॉन्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है तो मैं यही लेके चलूंगी। अब ये है, ये आपका मतलब फॉन्ट का साइज आपको कितना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा चाहे छोटा कर लें, इसको जितना आप रखना चाहते हैं, सॉरी इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और ये देखें ये आपका छोटा हो गया। अब आपने इसको बोल्ड करना है, तो यूं करके आप इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लें, इसको इस तरह से कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। यहाँ से आपके कलर सिलेक्ट होंगे, आप कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं, लाइक ये है, ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब जो आपका दिल चाहे आप वो रख सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके ये रिमूव कर देती हूँ, ये भी रिमूव कर देते हैं, ऐसे ठीक लग रहा है, ठीक है। कलर आप चाहे जो मर्जी रख लें, मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अब ये क्या चीज है, ये है कि आपने किस डायरेक्शन में अपनी इस चीज को किस डायरेक्शन में रखना है। लाइक अगर आप इधर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, अगर इस तरफ करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, और इस तरह से आपका ये दरमियान में रहेगा। ये भी वही चीज है, ये आपका एक अलाइन कर देगा उस चीज को, जैसे मतलब अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसने अलाइन करके यहाँ से स्टार्ट कर दिया, पर अगर मैं मिड में करती हूँ तो ये उसके मिड में ले आएगा, तो इस तरह से चीज ये चलेगी। अब ये हो गया हमारा, ये भी ऑनलाइन स्टोर हमने लिख दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके पीछे आपने बैकग्राउंड ऐड करना है, कोई अच्छी सी पिक्चर, सारी बात है आप अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी आप कोई पिक्चर भी लगाएंगे। यहाँ पर आप आते हैं चेंज इमेज में, अपलोड आप तब करेंगे जब आपके पास डिवाइस में अगर इमेज पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से कोई भी अच्छी सी इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइस में इमेज नहीं पड़ी तो आप यहाँ से सिलेक्ट इमेज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट इमेज में आके आपके पास ये जो गूगल साइट है, ये अपनी एक गैलरी आपको दिखाती है, अपना एक ऑप्शन देती है कि आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। अब ये उसने अपनी गैलरी दिखाई है, जिसके अंदर मतलब डिफरेंट चीजें, मतलब आपको वॉलपेपर्स अच्छे अच्छे कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं कुछ पसंद आ रहा, आप यहाँ पे सर्च में आएंगे, सर्च में आके आप सिर्फ लिखेंगे ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग, ये आप सर्च कर लेंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पर एनी टाइप सिलेक्ट हुआ है। अगर आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए, लाइक मैं अगर ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो आपको इस कलर में जितने भी रिजल्ट्स होंगे, ये देखें इस कलर में आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे, मतलब आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस कलर में चाहिए तो आपको इस कलर में सारे रिजल्ट शो हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं ओवरऑल आपको चाहिए, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको ओवरऑल हर किस्म की चीज यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। अब ऑनलाइन शॉपिंग है, यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हैं, लाइक ये कर लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं, यहां से आप इसको करेंगे सिलेक्ट, और ये आपके पीछे यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एडजस्ट फॉर रेडेबिलिटी आ रहा है, ये देखें ये थोड़ा वाइट वाइट आ रहा है, इसको जब आप ऐसे करेंगे ना, तो ये आपका क्लियर शो हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका एक एरिया क्लियर हो गया, इसका आप कलर चेंज कर लें, क्योंकि यहां से इतना प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा, ठीक है, इसको रख के देख लिया, ठीक है। आप जो मर्जी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, अगर नीचे हम आते हैं यहाँ पर, अब आपने कुछ ऐड करना है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे ना, ये कोलैप्सिबल ग्रुप्स, यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रुप आपको शो हो रहा है, आपने करना है क्लिक। अब यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है, यहाँ पर अब आपको दो जो है ना, आपको वो चीजें शो हो रही है, यहाँ पर एडिट आपका टेक्स्ट, और यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी मेरी कैटेगरी। अब कैटेगरीज मैंने कौन कौन सी रखनी है वो मेरी मर्जी है, इसका भी आपका कलर आप चेंज करना चाहें आप इसका कलर चेंज कर दें, आप जो मर्जी इसको कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं अपने जो है ना, मेरे मैंने जो जो चीजें रखनी है मैं वो यहाँ रख रही हूँ, मोबाइल फोन एक हो गया। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं बैग्स, ठीक है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स,
मतलब जो आप रखना चाह रहे हैं अपनी आप वैरायटी, आप सारी मतलब फोल्डर्स बनाएंगे अलग अलग, आपकी वो एक चीज कैटेगरी बनेगी, उसके अंदर फिर आप उन चीजों को पेस्ट करके तो उसके अंदर मजीद आप काम करके तो फिर उनको चीजों को सही करेंगे। अब नेक्स्ट मैं कर देती हूँ किचन, किचन इक्विपमेंट्स। ठीक हो गया यहाँ पर? अच्छा जी, अब ये आपका आ गया, मतलब आपने चार चीजें ऐड कर दी, आपका दिल चाह रहा कुछ और ऐड करने को या जो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी रख देते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने पांच जो है अपनी कैटेगरीज वो बना ली हैं। अब आप यहाँ पर अगर ऐड फोल्डर ये देखें, अब ये कैटेगरीज में आप जब इस तरह से आएंगे तो ये आपको इस तरह शो करेगा। अगर आपको चाहिए ये सब कुछ के आपका मिडल में आए तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आए। इसकी आप अगर बड़े इसका फॉन्ट साइज आपको चाहिए थोड़ा सा बिगर तो आप इसको इस तरह से कर दें, और ये देखें। अगर आपको इनका कलर भी चेंज करना है तो आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इनको कुछ भी आप एडिट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर पिक्चर ऐड करनी है, इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट सेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ से आप इसका कलर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब ये स्टाइल ए है, मैं स्टाइल अगर टू करती हूँ तो ये देखें ये थोड़ा ग्रेश में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं करती हूँ स्टाइल थ्री में तो ये ब्लू में चला जाएगा। तो ये भी आप चीज प्रोमिनेंट कर सकते हैं, इसको भी अगर आप इसको मतलब इस तरह से करेंगे तो ये आपको इस तरह शो होगा। अगर आप इसके पीछे कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ इमेज में आके अपलोड करनी है अपलोड कर दें सेलेक्ट इमेज करके, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे करना चाह रहे हैं आप वैसे कर लें, ठीक है। ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पर फुटर ऐड करना है, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट, मतलब आप यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अबाउट अस में लिख दें, जैसे कि मैं लिखती हूँ अबाउट अस, स्मॉल टेक्स्ट है। स्मॉल टेक्स्ट में लाइक आप मतलब एंड में भी एक दो अपने बारे में, साइट के बारे में आप जो मतलब साइट के अंदर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट वे ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। With best quality best quality products, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपने लिखना है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वो लिख के उसको चाहे आप इस तरह करके इसका आप फॉन्ट साइज थोड़ा सा बिगर कर लें, और आप इसकी राइटिंग चेंज करना चाह रहे हैं आप जो मर्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक सेक्शन हो गया। आप अगर इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अबाउट अस आ जाता है, अबाउट अस में आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एक लाइन में। आप इसको थोड़ा कंसाइज करके अच्छे से दो तीन लाइनों में लिख सकते हैं अट्रैक्टिव वे में। ये भी आपके पास एक हो गया। अब हमने कैटेगरीज बना ली है, कैटेगरीज बनाने के बाद अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, हमने इनको अलग अलग से रेडी करना है। हम यहाँ आ जाते हैं पेजेस में। जब आप पेजेस में आते हैं यहाँ पे आपको होम शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है जो हमारा होम है। हम ऐड करेंगे यहाँ पर पेज का नाम लिख देंगे मोबाइल फोन्स, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी मोबाइल फोन। इसको हमने कर दिया डन। ये हमारा मोबाइल फोन्स का एक जो है पेज हमारा क्रिएट हो गया। एक और पेज क्रिएट करेंगे, वो हमारी थी स्किन केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ये भी ऐड हो गया। नेक्स्ट वन किचन इक्विपमेंट्स। ये भी ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा बैग्स, बैग चार ऐड हो गए। एक और था इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है वो भी ऐड कर ले। ये हमारे पांच जो है इसका ई कैपिटल ना था, इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब ये बस पांच कैटेगरीज जो आपकी थी वो आपने यहाँ पर कर ली है एडिट। अब आपने क्या करना है, अब हर एक के अंदर जाके आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ये आपको हर चीज में शो करेगा, ठीक है हर एक पेज में। अब यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आके आपने यहाँ से लेयर सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं लेआउट सिलेक्ट करती हूँ सिर्फ एक, ठीक है। अब एक में क्या होगा, यहाँ पर आप
जो प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट की पिक्चर यहाँ पर आप ऐड करेंगे, और उस प्रोडक्ट की आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी कि वो प्रोडक्ट क्या है और उसकी क्या क्वालिटी है, जो भी आप उसमें लिखना चाह रहे हैं, जो आपने देखी है, आप वो क्वालिटीज यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। आप टू लेआउट करना चाह रहे हैं तो ये देखिए टू भी आ जाएगा, इसको आप रिमूव कर दें यहाँ से। आप टू करना चाह रहे हैं टू कर लें, टू यहाँ पर ऐड कर लें, फिर यहाँ पर टू मजीद ऐड कर लें, तो ये आपकी मर्जी है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें जो है, यहाँ पर आपका टेक्स्ट भी आ गया है जो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से अलेबोरेट करके उनको बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर पेजेस से। अब क्या है, मोबाइल फोन आप इसको अगर एडिट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप इसकी इसका फोन चेंज कर लें, इसका कलर चेंज कर लें, जो भी आप इसमें चाह रहे हैं एडिटिंग करना। अब ये देखिए इसके पीछे पिक्चर तो ये तो नहीं ना हर एक में आएगी, यहाँ पर आप चेंज इमेज में आ जाएं, सिलेक्ट इमेज करके यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन यहाँ पर सर्च कर लें, मोबाइल फोन ये देखें, आपके पास हर किस्म की पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी रिगार्डिंग टू मोबाइल फोन। अब जैसे कि मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये भी अच्छी लग रही है, या आप ऊपर से कोई और देखना चाह रहे हैं तो वो देख लें। ये देखें आप मोबाइल फोन पे ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, यहाँ से ये ऊपर आपको पेजेस भी शो कर रहा है। आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जाएं, यहाँ पर आप यहाँ पर चेंज इमेज करके आप पिक्चर ऐड करें और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। किचन इक्विपमेंट्स में उसी तरह आप पिक्चर ऐड करेंगे और वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मोर में आपकी जो कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि ऊपर 5 की 5 यहाँ पर शो नहीं हो रही। इस तरह से मतलब आपने ये चीज ओके कर दी है। नीचे आप यहाँ पर इंसर्ट करके जितनी मर्जी पिक्चर्स आप चाहें ऐड करें, जितनी मर्जी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उसको ऐड करें, यहाँ पर आप मजीद मैंने आपको बताया अबाउट अस में, और उसके बाद आप अपने दोस्तों से या किसी के पास जाके उनको कह सकते हैं कि हमारी साइट पे है, वो आपको रिव्यूज दें, तो वो जो रिव्यूज देंगे आपके वो रिव्यूज भी यहाँ पर शो होंगे। और जब रिव्यूज शो होते हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी साइट होती है वो आपकी मजीद अच्छी लगती है कि आप मतलब आपकी साइट पे रिव्यूज आए, मतलब लोगों ने यहाँ पर विजिट की है, लोगों ने यहाँ से चीजें खरीदी हैं, उसके बाद ही कोई रिव्यू देता है। अब यहाँ पर आप अगर अपना मैप देना चाह रहे हैं, आपकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब आपका आपकी शॉप कहाँ पर है, वो चीज यहाँ ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी आप करना चाहें ना, आप यहाँ पे बहुत सारी एडिटिंग करके बहुत अच्छी एक साइट आप सिर्फ गूगल पे इजिली बना सकते हैं। अब इंसर्ट में क्या क्या चीजें थी वो भी हमें काफी हद तक समझ आ गई है। पेजेस में आके भी हमने देख लिया हमारे जो जो पेजेस हैं, जो जो कैटेगरीज है, वो यहाँ पर हमें शो होंगी। अब थीम में क्या है, थीम में क्या होगा, थीम में मतलब आपकी थीम सिंपल, मतलब आपकी थीम सिलेक्ट हो रही है, ये सिंपल है। सिंपल के अंदर मैंने कलर पिंक कर लिया या मैं मतलब ग्रीन कलर कर रही हूँ, तो जो हमारा होम पेज है ना उसके अंदर ये सब चीजें ये इस तरह से हो जाएगी। हमने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट किया हुआ था, वो कलर चेंज हो गया, वो कलर इस तरह से आ गया। फॉन्ट आपको यहाँ से चेंज करना है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल इसको आप करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से शो होगा, ये आपकी लाइन आ गई और ये आपका कलर इस तरह से आ गया। उसमें जो राइटिंग थी वो राइटिंग होगी ऊपर सारी, वो उस तरह से राइटिंग आ जाएगी। कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज करें, आपको ये करना है, आप ये कर लें सिलेक्ट, आपको जोन सा भी यहाँ पर चीज अच्छी लग रही है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से आप इजीली मतलब अगर आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने साइट किस तरह से बनानी है, तो आप सिंपल तरीके से और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आप यहाँ पर साइट बना सकते हैं। अब जब आपकी साइट क्रिएट हो गई है कंप्लीट, तो आप ये फोन पे भी बना सकते हैं। और अगर आप फोन पे कहते हैं कि आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि आपका किस तरह से वो शो करे स्क्रीन को, तो ये जो आपके 3 डॉट्स होते हैं ना फोन पे, इन 3 डॉट्स में आपके आके आपका थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप और उसकी कुछ इस तरह से पिक्चर बनी होती है, जब आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आपको फोन पे ये पूरी कंप्यूटर वाली स्क्रीन शो होगी, इस तरह की स्क्रीन शो होगी, वो आपको मोबाइल फोन वाली स्क्रीन शो नहीं करेगा, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब जब आपने पब्लिश करी है, आपकी कंप्लीट हो गई है, यहाँ से अब आप इसको करते हैं पब्लिश। यहाँ से आप इसको पब्लिश करेंगे, वो आपसे वेब एड्रेस मांगते हैं, मतलब कोई भी आपने जो भी नाम देना है आप वो यहाँ पर देंगे। अच्छा हम सिंपल लिखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी टेकन है 45, ये ठीक है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी टेकन है, पहले से किसी ने डोमेन वो वाली ली हुई है, ठीक है। इसको करके आप पब्लिश कर देंगे तो आपकी साइट पब्लिश हो जाएगी, आपकी साइट अब क्रिएट होगी। अब आपको इसका लिंक चाहिए, मतलब आपने आगे इसका लिंक देना है, तो यहाँ से आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं।
ये देखिए मैंने 45 लिखा था, वो इस तरह से आ गया। इसको आप कॉपी लिंक करेंगे और आप इसको जहां पे भी जाके पेस्ट करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स में, जहां पर भी जाके आप इसको पेस्ट करके, तो आप अपनी जो है ना उसकी मार्केटिंग, अपनी साइट की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज सारी आपको क्लियर हो गई है, समझ आ गई आपको, समझ आ गई आपको साइट किस तरह से क्रिएट की जाती है। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो या कुछ समझ नहीं आई,